तो गाइस ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसके अंदर एक चक्कर हो गया कि मैं ना विलेजर्स विलेज से आ रहा था। मैं सान्याल यहाँ आगे मेरे को इस सान्याल का घर मिला। सारी हमारी ऑडियो चली गई और सारी हमारी ऑडियो चली गई वगैरह वगैरह जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड की थी तो सारी चली गई। तो अब मैं ये वीडियो पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ और सान्याल की ऑडियो आपको ऑफ कोर्स नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अब थोड़े दिन थोड़ा सा बिजी है। ऐसा ही हुआ, ये हमारी दुर्भाग्यवश कहानी है। हाँ भाई, भाई क्या कर सकते हो। हाँ चल तू सुना हमारी कहानी। हाँ तो यहाँ हम जा रहे थे तो हम मेरे को यहाँ सान्याल का घर मिला और हमने पहले तो वो मेरे को मारने शुरू हो गया तो मैंने कहा कि मैं हूँ। तो सान्याल ने थैनोस की स्किन लगाई हुई थी, मेरे को बहुत अजीब लग रही थी। तो मैंने उसके बाद सान्याल के घर से चोरी करना शुरू हो गया। उसने भी कह दिया कि हाँ ले ले तेरे तू अपना ही घर समझ ले। तो मैंने उससे सारी चीज़ें चोरी कर ली, जैसे वाटर बकेट, एक्स, पिकैक्स, ओक लॉग्स, रॉटन फ्लैश। मैंने रॉटन फ्लैश तक नहीं छोड़ा, मैंने कहा चेस्ट पूरी खाली होनी चाहिए कि तू भी गरीब लगे। पर घर इसने सच में बंदे ने सही बनाया हुआ था। और मैं यहाँ ऐसी देख रहा था, उसने ना एक प्लॉट सा बनाया हुआ था तो वो मैं से ये बात कर रहा था कि जो ये प्लॉट है ये तू रख ले। तो मैंने कहा पहले रुक, मैं यहाँ फर्नेंस अपना बना लेता हूँ, उसके बाद मैं तेरे से बात करते हूँ प्लॉट की। और मैं स्टोन माइन करने चला गया और मैं स्टोन माइन कर रहा था तो उसने कहा कि एक डील करते हैं चल, कि तू ना मेरे को गोल्ड का एक बार दे, एमरल्ड दे दे तो मैं तेरे को ये पूरा प्लॉट दे दूंगा। मेरे पास तो एमरल्ड था नहीं, उसके चेस्ट से चोरी किया हुआ नगेट से। तो मैंने उसको कहा कि 2 सेकंड रुक, मैं अपना फर्नेंस बना लूँ, उसके बाद हम बैठ कर थोड़ा सा बात करें। मैं जैसे ही अंदर घर के गया मैंने देखा कि मेरा एक फर्नेंस का कम था तो मैं फट इसने मेरे को एक तमाचा भी मार दिया। बहुत बहुत बुरा है ये। तो मैं यहाँ से फर्नेंस बनाया और मैंने यहाँ से देखा कि मेरा एक ब्लॉक रह गया, कम है। तो मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल छोड़ा, ये सो रहा था सान्याल तो मैंने कहा मैं भी एक झपकी ले लेता हूँ नींद की इसके घर की। तो जैसे ही हम उठे मैंने उसने कहा कि गोल्ड तेरे को कंफर्म करनी है डील, तो मैंने कहा हाँ चल कर लेते हैं। मेरे पास नगेट थे तो मैं क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने गोल्ड के बार बना लिए और उसके मुंह पर गोल्डन बार्स फेंका और कहा कि ये ले पकड़ तेरी अमानत तेरा गोल्ड, हम उस प्लॉट पर मेरा घर बनेगा। और गाइस हमने आगे जाकर एक बहुत अच्छा घर भी बनाया था। और यहाँ से मैंने एक कोबलस्टोन लिया और जहाँ से एक चीज़ बताऊँ, जहाँ से मैंने ये कोबलस्टोन लिया उसके डायरेक्ट नीचे एक बहुत बड़ी रिवीन थी और जैसे ही मैंने फर्नेंस बनाया सान्याल ने डिग डाउन करना शुरू कर दिया और उसको मिल गई रिवीन। वो देर लावा में गिरा, वो इतना जोर का चिल्लाया था ना, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ क्या चिल्लाया था। मैं यहाँ अभी नहीं चिल्लाया था, वो वहाँ लिखा हुआ आया था कि सान्याल। और मेरे ना फ़ोन के अंदर एक बग चल रहा था कि ना उसके भी फ़ोन के अंदर चल रहा था कि हार्ट्स और हंगर बार गायब हो रहे थे। ये पता नहीं क्यों हो रहा था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। ये एक और बारी हो गया बग हमारे साथ। मेरे को इस बग पर बिल्कुल गुस्सा आ रहा था क्योंकि यार अजीब लगता है भाई, दोबारा बग वो चल पड़ा था। मैंने फिर सोचा कि माइनक्राफ्ट एक और बारी खोल लेता हूँ, फिर मेरे को याद आया कि यार इसका वर्ल्ड जो हम खेल रहे हैं तो मैं बाद में कर लूँगा वो चीज़ के बग। तो मैंने मटन खाया, थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन की और जैसे ही बाहर आया यहाँ मैं अपना घर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने लगा साइड का। और यहाँ सान्याल ने इतने ज़ोर का चीखा, मेरी कान फट गए, इतनी जोर का चीखा था क्योंकि लावा में ही गिर गया भाई साहब। यहाँ मैं हल्का फुल्का डांचा अपना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ सान्याल दोबारा आया। उसको लग रहा था कि मैं उसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं वहाँ उल्टा पानी प्लेस करने की कोशिश कर रहा था और सान्याल ने मेरे को फेंक दिया नीचे रिवीन के अंदर, लावा के अंदर। मैं जैसे ही गया मेरा सारा सामान उड़ गया। अब हमको दोबारा ग्राइंडिंग करनी पड़नी थी
तो मैंने देखा कि सान्याल वहाँ ही है, उसके साथ पंचिंग शुरू कर दी। हमने एक दूसरे को इन्नी घुसुंड मारी। एंड में मेरा उसको पंच एक लास्ट पढ़ने वाला था, उसका हाफ आर्ट था, पर मैं मर गया पहले। तो उसके बाद मैं देखा चेस्ट के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं था। तो हमको पूरी माइनक्राफ्ट दोबारा से खेलनी पड़ती, वही वुड चॉपिंग वगैरह फलाना फलूना स्टोन। उसके बाद ये सान्याल नीचे चला गया, मैंने सोचा प्रैंक कर लेता हूँ, ऊपर से पानी बंद कर देता हूँ, ये रिवीन के अंदर जाकर गिरेगा। तो उसके बाद मैंने छोड़ो रिकॉर्डिंग ऑफ कर मैं ऑफलाइन वो करने चला गया, ये करने चला गया ग्राइंडिंग। उसके बाद मैंने अपना घर का ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लिया आउटलाइन। तो सॉरी, यहाँ एक ओ क्लॉक पड़ा, मैंने बाहर ऐसे ही फेंक दिया था, तो वो भी मैंने उठा लिया। भाई ले ले जल्दी, उठा भी ले स्टीव, तू क्यों बीप बीप कर रहा है बाहर? हाँ, तो कैसा बदतमीज है ये। हाँ, यहाँ मेरी स्क्रीन को क्या हो गया भाई? हाँ हाँ चल पड़ी। ऊपर क्यों नहीं स्क्रोल अप हो रहा है ये बंदा करेक्टर हमारा? स्क्रोल अप होले होले स्क्रोल अप, उसको टाइम टू स्लीप आ गया। मेरी स्क्रोल अप ही नहीं हो रही स्क्रीन। इसमें हमारे साथ एक और बग हो रहा था, और वो 2 सेकंड के लिए एक बार ही हुआ, क्योंकि वो बहुत नीट था, मैं ऊपर स्क्रोल अप ही नहीं कर पा रहा। तो मैं वो सान्याल सोने के लिए गया, तो मैं भी फटाफट चला गया सोने। यहाँ मैंने चैट बॉक्स ऐसे ही खोल लिया, और यहाँ हम दोनों सो रहे थे। और जैसे ही उठे हम ऐसे ही घर के बाहर चले गए, पता नहीं क्या करने। और मैं घर बनाना अपना शुरू कर दिया था वहाँ पे। सान्याल को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा घर जो मैं बना रहा था, तो उसने कहा कि तू 2 सेकंड वीडियो पॉज कर, हम अपने व्यूअर्स को डायरेक्ट दिखा देंगे। अभी इसने नहीं कहा, इसलिए मैं डायरेक्ट बनाते ही जा रहा था। उसने कहा कि तेरे घर का ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा स्ट्रक्चर। मैंने कहा पहले एक बारी पूरा देख तो ले। उसने उस 2 मिनट चुप हो गया, तो उसके बाद मैंने उसको एक घुसुंड मारने की कोशिश की और बच भी गई, और वो भाग गया। चल हट सान्याल, मैंने कहा उसको। और हमने सोचा कि घर को छोड़ो, हम 2 मिनट माइनिंग के लिए चल पड़ते हैं। और वहाँ से हमने मैंने सोचा कि मैं MLG कर लूँगा, पर MLG वॉज फेल। सो वो पानी नीचे जा ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं उसके सहारे ही नीचे चल जाऊँ, और मैं डायरेक्ट बस मरते मरते बचाऊँ। इस रिवीन में तो मैं 100 times मरते मरते बचाऊँ भाई, क्या बताऊँ। और ये सान्याल इतना पागल, मेरे लिए ऊपर से पानी भी नहीं डाल रहा ऊपर पानी भी नहीं डाल रहा था मेरे लिए। मैं उससे मदद मांग रहा हूँ कि दे दे पानी, डाल दे पागल। तो मैंने यहाँ ऐसे पानी से बाहर आया, और नीचे पहुँचते पहुँचते पानी के अंदर ही दोबारा लैंड हो गया। और यहाँ मैंने और पानी डाल दिया कि ऑब्सीडियन बन जाए, और मेरे लिए और जगह बन जाए आगे जाने के लिए। तो यहाँ मैंने और जगह बना ली आगे जाने के लिए एक और बारी ऑब्सीडियन डालकर, और मैं आगे 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 चला गया। और मैं फिर वापस ही आ गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को इतना याद भी नहीं है क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर चले जाऊँ, सो मैं ऊपर जा ही रहा था। और मैं जैसे ऊपर में से चढ़ा ही नहीं जा रहा था, कभी सांस की कमी हो रही थी वगैरह वगैरह। तो भाई मैं यार अटक ही गया था, ऑलमोस्ट अटक गया था। तो मैंने सोचा कि अटकना क्यों, अटक गया हूँ तो नीचे रहते हैं। वैसे पता है इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता, पर तब भी मैंने यहाँ से अपना पानी उठाया और मैं गया ये झरने के पास। बड़ी मुश्किल था ऊपर निकलना, झरने के पास गया, ऊपर चला गया मैं। और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने के लिए मुंडी बार करो तो ढल से नीचे हो जाता था, और वो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी इस पूरे टाइम में।
हम यहाँ अब ऊपर ही जा रहे हैं। बस यहाँ वही सांस का होने वाला था कि तीन बुलबुले बचे थे, मैं दो बुलबुले पानी के अंदर, पानी के अंदर ना ऐसे अच्छे से दिखता है तो मेरे को लग। तो यहाँ मैं थोड़े प्लांट्स प्लेस कर रहा था और सानाल ने दोबारा कह दिया कि भाई तेरा नेव अच्छा बन रहा, कुछ और ट्राई कर। तो मैंने कहा चुप। तो मैंने ये वाला जो मेरे से गलती से प्लांट लग गया था बाहर, मैंने वो कर दिया। और उसके बाद मैंने वो, मेरे को सान्याल ने एक और बार ही मार दिया था, तो मैंने कहा कि रुक अब हम पूरा घर ही बनाते हैं अपना। और यहाँ मैंने अपना दिखाया न्यू घर, इतना अच्छा मैंने वो सान्याल ने मोस्टली हेल्प की है पागल ने। और यहाँ हमारा नया घर बन चुका है, ये देखो कितना आलीशान लग रहा है भाई। ये इसने पता नहीं क्या कर दिया, लास्ट में फेंस लगा दी और नीचे वो लगा दिया क्या कहते हैं लैंटेन लॉक तोड़कर। ये भाई ये घर की शोभा बर्बाद, अगर आपको अपने घर की शोभा बर्बाद करनी हो ना, सान्याल को नंबर कर लो। सान्याल तेरा नंबर क्या है बताना नंबर। अच्छा नंबर लिखा 9891, ठीक है 9891। चलो हम यहाँ ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ भी मैं बहुत डेकोरेशन की, पर मैंने उसको स्किप कर दिया और मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो मैं कितनी बारी बोलूंगा थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। यहाँ मैं अपना आयरन माइन कर रहा था। यहाँ मैं आयरन, ये मैं क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं इतना आयरन लूँगा कि, तो मैंने ठान ली थी कि मैं अपना एक सेट बना लूँ आयरन का। तो मैंने यहाँ से आयरन माइन किया। और मैं आपको पहले बता दूँ कि ये मैं पूरी वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसमें बहुत घंटे लगे और यही बग मेरे साथ दोबारा हुआ। और मैं यहाँ चल रहा था अपने स्टोन की पिकाक से रेड स्टोन माइन करना, तो मैंने जल्दी से ध्यान दिया और मैं कहा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और वहाँ ही मेरे को साइड पर आयरन मिल गया और नीचे बहुत बड़ी एक केव भी थी छोटी सी, तो मैं डरा हुआ था कि मेरा आयरन नीचे ना चल जाए, पर थैंकफुली मेरे पास आ गया था। मेरे को तो लग रहा था कि गया ये नीचे ही गया है, तो मैंने यहाँ शिफ्ट दबाया और माइनिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ हमको रॉ आयरन और मिल गया। और ये बंदा पता नहीं ऊपर क्या कर रहा था, पागल क्या कर रहा था कुछ भी। तो मैंने यहाँ ये टॉर्च लगा ली, मैंने सोचा बाल्टी डालकर आ जाता हूँ, पर मैंने कब बाल्टी डाली तो कुछ भी हो सकता है, माइनिंग स्लो हो जाती है। तो मैंने साइड से ब्लॉक्स ले लिए, यहाँ से थोड़े से ही ब्लॉक्स लिए और मैं खिसक गया यही ऊपर जाने के लिए। और मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक्स ले लिए थे और वहाँ से ही मेरे को मिला अपना ज़ॉम्बी। और उसने मेरे को मारा नहीं पूरी तरीके से, मैंने उसको रिवीन के अंदर ठोक दिया। मैंने कहा कि निकल रिवीन के अंदर छोटी सी रिवीन नहीं कह सकते उसको, ऐसी छोटी सी केव थी। तो मैंने यहाँ अपने ब्लॉक्स नीचे लाए ब्लॉक्स अपने नीचे लाए। और मैंने देखा उसकी एक्सपी पड़ी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं नीचे गिर गया तो हमारा सारा सामान गया। पर सान्याल ने मोजैंग से बात कर ली थी तो उसकी वजह से हमारा सामान नहीं जाता, पर तब भी एक खौफ तो रहता है। तो हमने यहाँ मैंने एक और ब्लॉक लगा लिया कि ऊपर वाला आयरन ना जाए नीचे। और मैं धड़ाधड़ शुरू हो गया माइन करने, मैंने कहा जितना आयरन दे सकते हो दो, मैंने एक भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ मेरे पास 25 आयरन आ गए थे, यहाँ इनको पाना भी बड़ा मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि चल पड़ते हैं, तो मैंने कहा पूरा 30 करके चल पड़ते हैं, 30 आयरन करके चलते हैं, क्योंकि मेरे को पूरा आयरन का सेट बना रहा था। और ना ऐसा सहने वाला है, उसने मेरे आयरन आधे ले लिए, वो अलग बात है कि उसने परमिशन लेकर लिया है, ये अच्छी बात है। उसको मैं तो सोच रहा था TNT से उसका बकवास सा घर उड़ा लूँ, पर मेरे को उस पर दया आई थोड़ी सी कि इसने भी मेरी मदद की है। तो मैंने कहा छोड़ो चलो उसका घर चल रहा है, आगे जाकर मैं उसके भी घर की मदद करूँगा।
और वो मेरे को कह रहा था कि मैंने तेरे घर के अंदर मदद की है, तू मेरी भी कर। और मेरे को तो लग रहा था, मेरे को यहाँ लग रहा था कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ, पर साइड पर देखा कि सान्याल जी कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ छुप गए हैं, मेरे को पता ही नहीं था। उसको स्केलेटन मार रहा है। मैंने कहा सही है भाईया, यहाँ मैंने अपनी शील्ड अप कर ली थी और ये इसकी शामत नहीं है, ये स्केलेटन की। जो मैंने इसको पहला तो अच्छा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं पहला। और सान्याल का नेम टैग आप देख सकते हो, वो छुपा हुआ था कॉबलस्टोन लगाकर। और जैसे मैंने उसको मारा, उसने कहा थैंक यू। और ना मेरे को तब तक नहीं पता था कि वो छुपा हुआ है, तो मैं सोचूं यार ये मेरे को लगा ये है ही नहीं वहाँ, मेरे को लगा कहीं और देख रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको मारूँ थप्पड़, पर फ्लॉप हो गया क्योंकि वो जो छुपा हुआ था और उसको पता था कि मैं हूँ वहाँ। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को ये पता रास्ता पता है कि कहाँ से बाहर जाए, तो उसने कहा ये सामने से चल पड़, और मेरे को वहाँ ही आयरन मिल गया और वहाँ ही मेरे को और आयरन मिल गया, और मैं खोदने शुरू हो गया खोदने, क्योंकि खोदना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन को। और यहाँ मेरे आई थिंक 30 आयरन कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो और लालच नहीं करते, हम घर चल पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ आयरन तोड़े अपने, ने और भी आयरन थे, 30 से ज़्यादा ही थे आयरन मेरे को शायद से मिले थे, नहीं एग्जैक्ट 30 मिले थे। तो मैंने यहाँ ये वाला अपना आयरन भी तोड़ लिया है। चलो यहाँ 30 आयरन हो गए, और मैंने उसको कहा कि भाई मेरे को शायद से और दिख रहा है आयरन, तो मैं चलता हूँ उसको लेने। वो कह रहा था बस कर, पर मेरे को दिख गया था आयरन वो वाला, तो मैंने वो भी फट से तोड़ा, और मेरे को यहाँ 35 आयरन मिल गए थे, शायद से 35 ही मिले थे ना, कुछ 34 मिल गए थे शायद, पता नहीं अभी याद नहीं है मेरे को। गाइस पार्ट 1 के लिए इतना ही, सब्सक्राइब लाइक शेयर, पार्ट 2 भी जल्दी मैं कोशिश करूँगा आने के लिए। बाय।